हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और आप लोगों से थोड़ी सी मुझे बातें करनी है। एक्चुअली बातें समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। मतलब कैमरा ऑन कर लिया है, बैठ गई हूँ, लेकिन जिस टॉपिक पर बातें करने वाली हूँ ना, उस टॉपिक पर बात करने के लिए वैसे तो मैं बहुत बार आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दो चार बार मतलब शेयर कर चुकी हूँ। एक बात बताऊँ, जब भी कैमरा ऑन होता है ना, कभी यहाँ खुजली, ये सब हाथ है। और मैंने ऐसा नहीं, अपनी वीडियो बाकी और की भी देखती हूँ तो उन लोगों को भी शायद शुरू हो जाता है ये सब। ये हमारे मानसिक प्रॉब्लम है कि कहीं पे जैसे मेहंदी हाथ में लगा ली तो खुजली शुरू हो जाएगी, वो वाली बात है। तो मैंने मतलब जो साधना बहन ने भी पूछा था, और मेरे पास तीन कमेंट और थे कि आरती की शादी हो गई है, हो रही है, मतलब उसकी बड़ी वाली जो बहन है उसकी भी शादी हो गई है, प्लस उसके एक बेटी भी है जो अभी दिसंबर में 3 साल की कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके इतने छोटे भाई बहन क्यों हैं, क्या रीज़न है? तो देखिए, आप लोग भी जानते हो, अगर इतने छोटे भाई बहन हैं तो कुछ छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे। और इसलिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ पहले ही ज़्यादातर लोगों को पता है तो इसकी मत कीजिएगा। बहुत कुछ वीडियो में काफ़ी मैं बताने वाली हूँ, उसको रिलेटिव तो बताने ही वाली हूँ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए बताने वाली हूँ। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से और एंड तक वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपको सारी बातें अच्छे से पता चले और हो सकता है मेरी इस वीडियो से काफ़ी लोगों को कुछ फ़ायदा भी मिले। क्योंकि कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए या कहीं से भी हमें कुछ भी सुन करके हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो इसमें मतलब यही है कि देखो, दो बहनें हैं, मतलब आरती और पूजा। पूजा को भी मैं काफ़ी बार आप लोगों को मिलवा चुकी हूँ, मेरे घर आए थे मियाँ बीवी दोनों, हस्बैंड उसके नेवी में, इंडियन नेवी में, और आरती के हस्बैंड के लिए मतलब जो होने वाले हैं, एंगेजमेंट हो गई। तो सब लोग पूछ रहे हैं कि दीदी लड़का क्या करता है, तो एक्चुअली उनका अपना खुद का बिजनेस है। ऐसे नहीं है जैसे हम लोग, ज़्यादातर बहनें सब एयरफोर्स और नेवी वाले के लिए हैं, लेकिन वो पहली घर में है। अब जो हम तीनों चारों बहनों में चाचाताऊ की में के वो बिजनेसमैन के लिए जा रही है, तो वहीं प्रॉपर ही लोकल ही है गाजियाबाद में, उनका खुद का ही बिजनेस है, अपना अच्छा खासा घर परिवार है मतलब। तो अब आते हैं बात पे, टॉपिक पे, यानी कि आरती के बहन भाई छोटे क्यों हैं। एक्चुअली आरती का बड़ा वाला भाई था, आरती के नीरज नाम उसका, नीरज सबसे बड़ा था दोनों बहनों में, और जो कि अब हमारे बीच नहीं है इस दुनिया में। 16 साल का था जब वो ख़त्म हुआ था 10th में, मतलब जुलाई से 10th में आया था। तो 16 साल का बच्चा किसी का ख़त्म हो जाए घर से, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी बड़ी मुसीबत है। कैसे उस कहते हैं ना, दुख से उभरे, तो वही सब हमारे घर में भी बहुत मुसीबत आई थी जिस टाइम पे नीरज इस दुनिया से चला गया और दोनों बहनें रह गई थी। आरती पूजा तो छोटी थी, आज अगर नीरज होता तो उसकी शादी भी हो चुकी होती और उसके खुद के भी बच्चे होते, तो छोटे वाले भाई बहन की तो ज़रूरत ही नहीं थी। और धीरे धीरे देखिए, कहते ना, हम सबको बहुत बड़ा झटका था। मेरे परिवार में भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक था, जॉइंट फैमिली थी, चार चाचा था, पूरा भरा परिवार मेरा सब कुछ, लेकिन नीरज एक ऐसा झटका दे गया कि सबके ही ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई। सबसे ज़्यादा चाची चाचा की ज़िंदगी अस्त व्यस्त हुई। चाची ऐसे सदमे में, कोमे में ही समझ लीजिए चली गई, ना हंसना बोलना नहीं है, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है कुछ भी उनको लेना देना नहीं था, सिर्फ घर में ही सीमित रह गई। अब वही सब लोगों ने फिर यही होता है, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेटी बेटा अलग, आज के ज़माने में सब बेटी भी और बेटे बराबर हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हमको दोनों चीज़ चाहिए, बेटी भी चाहिए और बेटा भी चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे मेरे पास इशू है, मैंने कभी बेटे की शक्ल देखी नहीं तो इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने नीरज को देखा है और 16 साल पाला है तो उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि एक बेटा आया दुनिया में और फिर उसके बाद में चला जाए तो बहुत दुख होता है यार। और बेटियां रह गई थी, सबको यही था कि चलिए, कहते ना, फिर भी कहीं ना कहीं पूरे परिवार को था गए, बड़ा नीरज गया है तो छोटा नीरज आ जाए वापस। उसके उसमें बहुत कोशिशें की सब ने, बुआ जी ने, फूफा, घर परिवार जो भी रिलेटिव थे, किसी को कहीं डॉक्टर की पता चलती थी तो वो बताते थे कि वहाँ जाके कमलेश को, मेरी चाची का नाम है, दिखा लीजिए वहाँ पंडित, वो मतलब जो भी हम लोगों से सबसे बन पड़ पाया पूरे परिवार ने, सब ने किया उनके लिए। लेकिन कहते ना, भगवान जब देता है तभी उसकी इच्छा होती है, उससे पहले हमें कुछ भी पॉसिबल नहीं है जो मिल पाए, उसकी मर्जी के बिना तो कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वही सब था, तो सब लोग वही, बाद में ऐसा यही हुआ कि मतलब
शायद बेटी आई है नसीब में, नीरज को वापस आना नहीं है। सब शांति से बैठ गए थे, सब कुछ छोड़ दिया भगवान के ऊपर ही, लेकिन उनके घर में फिर भी खुशियां नहीं थी। हम लोग कभी भी जाते थे तो भी हमेशा यही रहता, कोई त्यौहार है, राखी है, 10 चीज़ें मतलब अपने, हम सबको नीरज याद आज भी आता है, ऐसा नहीं है। और मेरा तो इतना लाडला भाई था, आपको सच में पूरे रिश्तेदारियों को सबको पता है, जैसे पिंकू ने चिपका रहता उससे ज़्यादा नीरज मेरे पास रहा था। नीरज मैंने बहुत पाला था, बहुत संभाला था, स्कूल मेरे साथ जाता था, स्कूल जाती थी मैं जब, तो मेरे साथ ही स्कूल जाता था, छोटा उस टाइम पे था, सोना खाना पीना उसका 24 घंटा मेरे साथ बीतता था। उस टाइम पे मैं गोवा थी जब ख़त्म हुआ था, मेरे हस्बैंड थे उस टाइम पे नीरज ख़त्म हुआ था, तो सबको पता थी, इनको भी पता थी कि नीरज इसके लिए क्या मायने रखता है। तो जब पता चली तो इनको भी हिम्मत नहीं हुई मुझे बताने की कि मतलब कैसे संभालेगी खुद को। पूरा दिन निकल गया, सुबह ही ख़त्म हो गया था। शाम के टाइम मेरी फ्रेंड थी, ये बॉम्बे में थे उस टाइम पे, मैं गोवा में थी, तो ये कुछ ड्यूटी की वजह से बॉम्बे आए हुए थे 15-20 दिन के लिए। तो इन्होंने मेरी फ्रेंड को बताया था, सुमन को, उन्होंने, उनकी भी हिम्मत करी, मैं भी बात हमेशा करती रहेगी नीरज नीरज, मैं भी नहीं बता पाऊँगी। लेकिन शाम को मुझे पता चली, वापस आई थी, मैं नहीं संभाल पा रहे थे सब, लेकिन धीरे 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 लाइफ बीतती चली गई। और पूरे 8-9 साल नीरज को, पहले तो 4 साल कंप्लीट हो गए, 4 साल में हमने थोड़ा बहुत अपने आप को संभाला, 4 साल के बाद ये चले गए नीरज के बाद में, नीरज के 4 साल बाद ये ख़त्म हो गए। फिर से सब लोग वही सब दुख पहाड़ परेशानियाँ दोबारा से फिर सब ने वही सब फेस किया झेलना। मैं कहती हूँ ना, आप सब लोग बोलते हैं ना कि दीदी आपके व्यूज नहीं बढ़ रहे, उसके इतने बढ़ गए, उसके इतने बढ़ गए, लाइफ में यार बहुत कुछ झेला है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सबके सामने रोकें और अपना मतलब कुछ भी ये सब दिखा करके, व्यूज बढ़ा करके या फिर कुछ भी इस तरीके के एक ड्रामे करके, मैं वो नहीं चाहती हूँ। मैं जो हूँ वही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, चाहे मेरे व्यूज कम आओ ज़्यादा हो, मैं चैनल मेरा चले या ना चले, लेकिन वो मेरे से नहीं हो पाता। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती भी है कि जहाँ मुझे थोड़ी भी इमोशनल होती हूँ, मैं अपना कैमरा ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी मेरा वीडियो, आज मैं ये बता रही हूँ आप लोगों के क्वेश्चन पे ही, मुझे पता है कि सुन के आप लोगों को भी दुख होगा, मुझे पता है आप सब भी कमेंट करेंगे, क्योंकि आप भी हमेशा यही चाहते हैं कि मैं हंसती खेलते हुए मतलब थोड़ा मौज मस्ती वाला ही वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। लेकिन आपके क्वेश्चन पर ही मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ आज, तो यही था कि बताऊँगी तो फिर थोड़ा डिटेल में ही, इसीलिए 2-3 दिन से नहीं बता पा रही थी कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो एक प्रॉपर वीडियो में ही आप लोगों को अच्छे से मैं बताऊँगी। तो मतलब यही हुआ था कि 8 साल हो गए थे, सब लोग हार थक के बैठ गए थे कि भगवान की दुआ से बेटी आई है, पूजा की शादी हो गई। लेकिन कहते हैं ना कहीं किसी को भगवान हमें अपना रूप दे के समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, ऐसे किसी को भेज देता है। तो चाची की ज़िंदगी में मेरी अहमियत झूठ बोलूँ हमेशा रही, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली थी, चाची गांव में रह गए थे जब चाचा पुलिस में ही थे, मतलब अभी भी है, साथ नहीं गई थी, मेरी शादी के बाद में गई है, मेरी शादी जॉइंट फैमिली में ही हुई थी। तो घर में चाची के साथ सारा दिन बिताना, हंसना कूदना, तो उनके साथ आज भी ऐसा ही है। अगर मैं एक हफ्ते उनके घर नहीं जाऊँ ना, तो तुरंत ही फ़ोन करके 4 बातें सुनाएंगी, और क्या, तुझे फुर्सत नहीं होगी, तू नहीं आई मेरे पास। तो वही था, मैं आई थी तो सारी बातें हम शेयर कर लेते थे, क्योंकि देखिए दुख मुझे भी था इनके जाने का, वो एक बेटा के दुख से थी, तो बहुत सारी बातें हम शेयर करते थे। तो फिर मैंने, मुझे पता चली थी डॉक्टर के बारे में कि मैं लेके चलूँगी, तो मना कर दिया। उन्होंने कह रही नहीं, पूजा की शादी हो गई, क्या बोलेंगे ससुराल वाले। लेकिन झूठ बोलूँ, उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने भी जैसे ही पूजा की शादी हुई, तो पूजा को बोलती रहती थी उसकी सास कि वहाँ डॉक्टर है, वहाँ दिखा लेते हैं, मम्मी को ऐसा नहीं है ये वो, क्योंकि पूजा की शादी भी 22 साल में हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा एज नहीं थी चाची की, तो इसलिए ये सबको ये लगता था कि इतनी तो बहुत एज भी नहीं है उनकी, तो चलो सोचते हैं इस बारे में। लेकिन सब ने ही सपोर्ट किया, मैंने कि चलती हूँ लेके उनके पास। बहुत मुश्किल से रांची हुई थी सच्ची में, आपको मैं बताऊँ, डेट याद है 10 अक्टूबर को हम पहली बार डॉक्टर के पास गए थे। मैंने बहुत मनाया उन, उसके बाद में चले गए, चाचा जी ने बिल्कुल, मतलब चाची ने बात करी थी तो मने कर दिया, कह रही ये मने कर रहे हैं, मैंने कहा आप, मैं लेके चलूँगी, एक बार मिल लेते हैं। डॉक्टर के पास गए, मिले डॉक्टर ने, सच्ची में मुझे वो डॉक्टर इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने पहले ही दिन सब कुछ देख करके, पूरी रिपोर्ट लेकर के मैं और ये गए थे चाची, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया था कि मैं, पूरी उम्मीद है कि इनको आपका बेटा वापस आ जाएगा, कोशिश करते हैं।
प्रोसीजर शुरू हुआ, लेकिन वही कहते हैं ना कि उतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता है लाइफ में, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं तब हमें कुछ हासिल होता है। तो वही हुआ था, डेली का आना जाना दिल्ली में, डॉक्टर है कर डुमा कोर्ट जहाँ हम मेट्रो से जाते थे वहाँ उतरते थे। मेरी चाचा जी बहुत कम गए क्योंकि पुलिस वालों की ड्यूटी इतनी भाग दौड़ वाली होती है। फिर आरती ने बहुत सपोर्ट करा, बेटी होने के नाते भी बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट। डॉक्टर के आना जाना लगा रहा। एक दिन ऐसा आया कि वीर और वानी का जन्म हुआ। 3 सितंबर को जन्माष्टमी थी, 3 साल के हो गए अभी, 3 साल पहले जन्माष्टमी थी। जन्माष्टमी वाले दिन दोनों का बहुत पापड़ बेले थे। 10 अक्टूबर को डॉक्टर के पास गए थे, 3 सितंबर को वो हमारी गोदी में थे। जब डॉक्टर ने बोला कि आपको ट्विंस हैं तो और डबल खुशी हो गई थी कि ट्विंस हैं, लेकिन फिर भी यही हो रहा था कि ट्विंस को उनको हमेशा यही बोलती थी कि पालेंगे कैसे। मैंने ये सब पल जाएंगे। और देखिए आ गया नीरज वापस। सच्ची में आपको कभी मैं फ़ोटो दिखाऊंगी उसकी, उनके घर में फ़ोटो लगी है। वीर बिल्कुल डिट्टो नीरज की कॉपी है, शक्ल से, उसकी बहुत सारी हरकतों से, आदत से, बिल्कुल सब। जो भी पहली बार उसको देखता है ना सब यही बोलते हैं, अरे नीरज, बिल्कुल सबके मुँह से यही निकलता है क्योंकि वो बिल्कुल नीरज की टू कॉपी है। उसका पुनर्जन्म समझ लीजिए जो भी है कि इतने साल के बाद में नीरज वापस आया है। तो इस वजह से आरती के बहन भाई दोनों ही छोटे हैं और ट्विंस में ईशु हंसती है वानी के लिए कि एक के साथ एक फ्री तो फालतू की आ गई है। लेकिन सच्ची में वो भी बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है। लेकिन कहते हैं ना भगवान ने जो दिया है वो खुश है। उसके चक्कर में दोनों के में देखिए उनकी लाइफ भी एक इजी हो गई है, भाग दौड़ में पता भी नहीं चलता। पहले घर में मातम सा छाया रहता था, अब खुश रहती हैं। नीरज की जगह तो शायद कोई नहीं ले पाएगा, उसको तो कोई नहीं भूल पाएगा। लेकिन हाँ ये है कि इनके आने से उनके घर में खुशियाँ आ गई हैं। और दूसरा क्या है, आरती अब अपनी ससुराल चली जाएगी तो इनके पालने में उनकी ज़िंदगी बीत जाएगी। बेटियां देखिए हमेशा माँ बाप को देखती हैं, चाहे शादी हो जाए चाहे शादी से पहले, लेकिन फिर भी शादी के बाद में ना उनके भी कुछ फ़र्ज होते हैं अपनी ससुराल को लेकर के। तो वो फ़र्ज भी अब आरती पूजा मान लीजिए देखती कल को, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी तो फ़र्ज रहते हैं ना। इस चक्कर में यही था कि चलो नीरज वापस आएगा तो फिर कल को इन्हें पालने में, आगे पढ़ाई लिखाई में उनकी लाइफ आराम से निकल जाएगी। तो इस चक्कर में दोनों भाई बहन इतने छोटे हैं क्योंकि उनके जो भतीजे हैं ना, यानी कि जैसे गन्नू से जैसे पिंकू से 6 महीने छोटे हैं, और जो पिंकू के वे चाचा और बुआ लगते हैं दोनों, क्योंकि मेरे बहन भाई है। तो वो यहाँ हंसते हैं हम कि तुम लोग बच्चे ना मतलब तुम्हारे बुआ है। मेरे जो ताऊ जी के बेटे हैं ना भैया, उनका बेटा बड़ा ईशू के साथ का है, तो हम लोग ईशु को भी मैं बोलती हूँ तेरे मामा और मौसी, तमीज से बोला कर। तो यही है। तो देखिए नीरज के जाने के बाद में ये दोनों वापस आए हैं, तो इस वजह से इतने छोटे हैं। और मुझे पता है कि बहुत लोग आज कमेंट करेंगे क्योंकि सबको सुन के ये लगेगा। और हाँ, डॉक्टर को मैंने एक बार पहले भी बताया था, सबने डॉक्टर का मेरे से एड्रेस पूछा था, तो मैं इसमें वीडियो में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है, डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, दिल्ली में करकडूमा कोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ उतरिए, उसके बाद में नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए जैन हॉस्पिटल के नाम से उनका है जैन हॉस्पिटल, तो वो आपको नेट पे पूरा फ़ोन नंबर डिटेल सब कुछ आपको एड्रेस वगैरह वहाँ का आ जाएगा अगर किसी को ज़रूरत है तो। लेकिन डॉक्टर बहुत बाहर से पड़ी हुई है, बहुत अच्छी है। देखिए मैंने बहुत लोगों को उनका नंबर दिया, बल्कि चाची से भी बहुत लोगों ने नंबर लिया है, जो कि वहाँ उनके जाने के बाद सबको खुशियाँ मिली हैं। क्योंकि देखिए हमें खुशियाँ मिली है तो सोचते हैं सबको मिले, भगवान करे सबके घर में खुशियाँ रहे, ऐसा कोई घर ना रहेगा जिससे मातम बीते। देखिए सिद्धार्थ शुक्ला अकेले, सच बताऊँ कई दिन से बहुत दिमाग ख़राब है न्यूज़ देख करके ये सब, क्योंकि सडनली एक इंसान इस तरीके से चला जाए तो बहुत दुख होता है। ऐसी नीरज था हमारा कि एकदम से अचानक में ही एक झटके से गया, कोई बीमारी कुछ थी नहीं उसको, बहुत मुश्किल हुआ था संभालना सभी को। तो चलिए, और जो डिसलाइक करते हैं ना, मुझे पता है डिसलाइक करने वाले, आप लोगों को भी थैंक यू क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको दाद देती हूँ, मेरी वीडियो कोई भी हो आप उस पर डिसलाइक ज़रूर करते हैं, तो इस पर भी कर दीजिए आपको अगर लगे इसमें। लेकिन इसमें कोई दिखावा या झूठ नहीं है, जो मैंने रियल में है वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। चलिए कल मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, आज तो मेरी वीडियो ये बातों में ही निकल गई है। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना नीरज के नाम पर, बस यही है। जहाँ पे भी वो है खुश रहे, भगवान कहते हैं ना, मैं हमेशा कितनी बार यही बात सोचती हूँ कि जीजा साले को हम लोगों से ज़्यादा शायद दूसरी दुनिया पसंद आ गई थी जो कि हमें छोड़ करके चले गए। चलिए कल मिलूंगी।